इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान का 54 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती थे। उनकी हालत काफी गंभीर थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान पेट की समस्या से जूझ रहे थे, उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ था। डायरेक्टर सुजीत सरकार ने इरफान खान के निधन की खबर दी। बॉलीवुड के टैलेंटेड अभिनेताओं में शामिल इरफान खान के यूं अचानक चले जाने से उनके फैंस और बॉलीवुड सेलेब्स सदमे में हैं। दो साल पहले मार्च 2018 में इरफान को न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर नामक बीमारी का पता चला था। विदेश में इस बीमारी का इलाज कराकर इरफान खान ठीक हो गए थे। भारत लौटने के बाद इरफान खान ने अंग्रेजी मीडियम फिल्म में काम किया था, लेकिन किसे पता था कि ये मूवी इरफान खान की जिंदगी की आखिरी फिल्म होगी। शनिवार को ही इरफान खान की मां का निधन हो गया था, लेकिन लॉकडाउन के चलते इरफान खान मुंबई से जयपुर नहीं जा पाए थे। उनकी मां की आखिरी इच्छा थी कि उनका बेटा ठीक होकर घर लौट आए, लेकिन इरफान खान इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।